दोस्तों सुबह हो गई है और हाँ हमने चाय पानी तो नहीं किया लेकिन हाँ घर से कुछ कुछ लेके आए थे उसको खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बीसी रॉय कॉलेज। रास्ते में देखेंगे कहीं चाय वगैरह की टपरी मिलेगी तो चाय वाय ले लेंगे और जा रहे हैं बेसिकली बीसी रॉय कॉलेज। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर एक बस पकड़ना है, बस पकड़ेंगे और उसके बाद हम लोग बीसी रॉय कॉलेज उतरेंगे। तो आज देखते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर देते हैं और उसके बाद आपको बीसी रॉय कॉलेज थोड़ा मोड़ा दिखा भी देंगे और रूम आज हम लोग खाली कर दे रहे हैं, रूम की चाबी हम लोग दे देंगे उनको और आज से हम लोग रूम छोड़ेंगे और आज ही हम लोग की ट्रेन भी है। तो चलिए देखने को मिलेगा आपको सब कुछ इस ब्लॉग में, बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों बस से उतर गए हैं और मैप देखते हुए जा रहे हैं बीसी रॉय कॉलेज। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पैदल 13 मिनट का रास्ता और बाइक से 3 मिनट का रास्ता, तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। तो जस्ट अभी जा ही रहे हैं। दोस्तों लगभग बीसी रॉय कॉलेज पहुँच ही गए, वो दिख रहा होगा आपको, ये है ये बीसी रॉय कॉलेज, ये इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशन बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए चलते हैं अंदर। कहाँ जाना है? आशुतोष भवन। कहाँ दिखाया? आशुतोष भवन, उसी में जाना है। इतना बड़ा कॉलेज आशुतोष भवन, हिड़ते हिड़ते तो ऊपर लिखा होगा यार एजे बोस, लिखा होगा एजे सी बोस। आशुतोष भवन कीप योर कॉलेज क्लीन, ये बहुत सारा बिल्डिंग है यार, किसमें जाए? पूछो कहाँ जाना है, कहाँ लाइब्रेरी? मिल गया आशुतोष भवन, चलो अंदर। बहुत साफ सफाई है यार कॉलेज एकदम, और तेरी क्या कॉरिडोर है। कहाँ है आपकी सुजाता मैम? आवाज़ गूंज रही है लेकिन यहाँ पर कैमरा वाईफाई है शायद। टॉयलेट बॉयस। अभी दोस्तों कॉलेज के अंदर घुस गए हैं, देख सकते हैं बहुत शांति है कॉलेज के अंदर, क्लास बढ़िया है। अभी कोरोना इसलिए बंद हो रखा है। दोस्तों मैम ने बताया कि हमारा कुछ ड्यू है, पेंडिंग में है ड्यू, उसके लिए एक सर से मिलना पड़ेगा, तो जा रहे हैं वही सर से मिलने। दूसरे बिल्डिंग में वो सर रहते हैं जिससे हमने एडमिशन करवाया था, पता नहीं कौन सा ड्यू पेंडिंग में, वैसे तो मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया था। तो अभी दोस्तों ये फॉर्म मिला हुआ है हमें, हालांकि इसको मैंने आधा भर चुका है, आधा अभी बाकी है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी है। तो अभी ये पूरा फॉर्म है, बहुत ज़्यादा बड़ा है फॉर्म, मतलब मेरे ख्याल से 10-20 पन्नों का है शायद से, तो इसको पूरा भरना होगा। वही भर ही रहा हूँ, हालांकि देखते हैं कितना देर में पूरा हो जाएगा। चलिए भर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। करो करो यहाँ भी करो साइन। अरे बाप अरे बाप। तो अभी दोस्तों दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं और सुबह से आए हम लोग, ना खाना खाए ना कुछ, भूख लगा हुआ है हालांकि, लेकिन हाँ कॉलेज का सारा काम हो गया, हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो गया, लेकिन बुक, हाँ बुक मिलने के लिए अभी उसके लिए कुछ और भी प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा पंगा है। बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा पंगा है, बुक लेने के लिए अब बोला है कि 1-2 दिन के बाद आओ, और 2 दिन का रास्ता चल के कौन आएगा, और उन लोगों का डेट रहता है कि इस डेट को बुक मिलेगा। वाह, अब देखते हैं फिर कभी आएंगे या फिर किसी दोस्त को बोल देंगे बुक लेने के लिए, देखेंगे वो बात का बात है। लेकिन हाँ अभी तो हमारा सारा काम हो गया, अब 3 बजे हमारी ट्रेन है, तो हम लोग जा रहे हैं एक बस पकड़ेंगे रेलवे स्टेशन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग अपना ट्रेन पकड़ेंगे जो कि 3 बजे है। बहुत ज़्यादा थक गए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले पकड़ो निकल जाएगी ट्रेन। तो अभी दोस्तों बस पकड़ ली है रेलवे स्टेशन के लिए। दोस्तों जल्दी जल्दी हमने ट्रेन पकड़ लिया है देख सकते हैं, और हमको अब उतरना है आसनसोल। आसनसोल से हमारा दोबारा एक ट्रेन है, लेकिन हाँ अभी हमने ट्रेन पकड़ लिया है, देखते हैं कब तक ये हमें आसनसोल उतारेगी। चलिए बने रहिए।
आसनसोल का तो यह आसनसोल ही तो है स्टेशन। तो अभी दोस्तों फाइनली आसनसोल स्टेशन पहुंच गए हैं और यहां से हमारी दूसरी गाड़ी है। तो आई थिंक दोस्तों बहुत हो गया वीडियो, यहीं बंद करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।